हेलो एवरीबॉडी, सो राइट नाउ आई मीन निम्फाड़ा और कल रात को मैं यहाँ पे पहुँचा था और इट टुक मी ऑलमोस्ट आई लेफ्ट एट 7 AM एंड आई रीच हियर एट अराउंड 9, तो 14 घंटे लगे सिलचर से इम्फाल आने के लिए एंड इट वॉज हेल ऑफ अ जर्नी, बट फाइनली मैं पहुँच गया। रात को लेट हुआ था तो कैसे कैसे होटल तो मिल गया था और अभी बहुत अच्छा होटल था, सिटी होटल करके। सो अभी मैं फ्रेश हो गया हूँ, आई हैड अ ब्रेकफास्ट एंड नाउ आई एम लिविंग टू मोइरेंग। ओके, तो मोइरेंग इज़ वेरी फेमस फॉर लोकटक लेक एंड ऑल्सो फॉर INS मेमोरियल। सो लास्ट नाइट जब मैं सुमो में आ रहा था तो आई मेट टू पीपल, वन वॉज डोनाल्ड हु इज अ इंजीनियर विद इंडियन ऑयल एंड अनदर वन इज रोमियो हु वर्क्स विद आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया। तो आज तो डोनाल्ड बिजी है बट आज रोमियो तो फ्री है, बट ही इज़ गोन मीट मी एट विष्णुपुर। तो अभी मैं यहाँ से मैजिक पकड़ के विष्णुपुर जाऊँगा, आई विल मीट हिम एंड विथ हिम आई विल गो टू मोरियांग। तो ये जो सामने ब्रिज दिख रहा है ना, वो साइड में विष्णुपुर के लिए नहीं तो मोइरेंग के लिए आपको मैजिक मिल जाएगा। सो अभी विष्णुपुर के लिए मुझे ट्रैक्स मिल गया, सुना हुआ तो अभी विष्णुपुर जा रहा हूँ। सो फाइनली मैं विष्णुपुर पहुंच गया हूँ और राइट नाउ आई एम देखते हैं वेयर रोमियो इज टेकिंग मी, मुझे भी नहीं पता। टेंपल भी जाएगा, विष्णु टेंपल। सो राइट नाउ वी आर गोइंग टू विष्णु टेंपल। सो एज यू कैन सी दिस इज़ अ विष्णु टेम्पल, सो वेरी फेमस स्पॉट इन मणिपुर। कि ये जो विष्णु जी का मंदिर है इसके अंदर जो मूर्ति है वो म्यांमार से लेके आए थे और ये 14th सेंचुरी में इसको एस्टेब्लिश किया था। उसके बाद इसको सोने का भी बनाया गया था, इसके ऊपर हीरे भी लगाए गए थे, बट उसके बाद उस मूर्ति के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है। बाद में एक मूर्ति था यहाँ पे जो इम्फाल लेके गए। ओके, सो राइट नाउ दिस इज़ एन आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का ये मॉन्यूमेंट है, इसके अंदर कोई मूर्ति तो है नहीं और ये पूरा का पूरा ब्रिक से बनाया है। इसके अंदर कोई भी आयरन और अनदर मेटल का यूज़ नहीं किया हुआ है। दैट इज़ अ वेरी यूनिक थिंग अबाउट दिस विष्णु टेम्पल। सो बाय द वे आई डिडंट इंट्रोड्यूस माई फ्रेंड, ही इज़ माई फ्रेंड रोमियो। ओके, तो हम लोग कल जब आ रहे थे सिलचर से इम्फाल तक, तभी हमारा ट्रैक्स में ही इनसे मुलाकात हो गया था। सो ही वर्क्स फॉर आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया एंड ही इज़ द ओनली पर्सन, आप इम्फाल से अकेले है ना। ओके, तो ही इज़ द वन वो एक्चुअली मुझे दिखा रहा है। ओके, वो विष्णु टेम्पल लेके आए और नाउ वी विल गो टू मोरियांग। ओके, एंड लोकटक लेक। सो राइट नाउ वी हैव रीच्ड टू INA मेमोरियल कॉम्प्लेक्स, INA वॉर म्यूजियम। नाउ लेट्स गो इनसाइड एंड एक्सप्लोर INA वॉर म्यूजियम। अब देख सकते हो सुभाष चंद्र बोस जी का स्टैचू लगाया हुआ है यहाँ पे। पर मुझे लग रहा है अंदर शूटिंग अलाउड होगा, तो वो देखते हैं पूछ के, अदरवाइज आई विल जस्ट एक्सप्लोर द म्यूजियम। सो इट वॉज वंडरफुल मेमोरियल फॉर नेताजी सुभाष चंद्र बोस और INA। तो इसके मतलब यहाँ पे आके आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पता चलती है, जैसे कि मैप है यहाँ पे प्रॉपरली कि कैसे जो INA है सिंगापुर से निकला एंड इट रीच टू इम्फाल, उन्होंने इम्फाल कैप्चर कर लिया था, ऑलमोस्ट दे आर रीच टू कोहिमा ऑल्सो। सो जो आज का प्रेजेंट इंडिया है वहाँ पे वो पहुँच गए थे। और आई वंडर अगर जापान के ऊपर एटम बॉम्ब नहीं गिरता था तो अगर और INA अगर दिल्ली कैप्चर कर लेता था तो आज का इंडिया कुड भी डिफरेंट। ओके, मुझे पता नहीं पार्टीशन होता नहीं होता। ओके, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अगर इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर बने तो इंडिया का फ्यूचर कुछ और ही अलग हो सकता था। बट वन रिग्रेट भी है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस इज़ वन ऑफ द मोस्ट अंडर रेटेड पॉलिटिशियंस और लीडर ऑफ इंडिया, जिनके बारे में ज़्यादा पता नहीं है। ओके, ऐसे मेमोरियल तो मुझे लगता है इंडिया में हर सिटी में खुलने चाहिए, सो दैट वी कुड नो मोर अबाउट सच अ ग्रेट लीडर। आई मीन आई पर्सनली थिंक दैट
Netaji Subhash Chandra Bose is actually the father of our nation. Because of the INA only and Indian Navy ka jo revolt hua tha Mumbai mein, uski wajah se hi humein 1947 mein freedom mila tha. These are the main things jiski wajah se British felt like they won't be able to control India, aur uske wajah se unhone hame freedom de diya tha. So we have to give them the respect, the due they required, the INA and so it is a must visit place if you are in Manipur. So please come and visit INA War Museum. It's in Moyang only. तो यहाँ पे एक एंट्री गेट है, आपको 15 रुपीज़ का टिकट लेना पड़ेगा और ये पहाड़ी है, यहाँ से आपको बहुत अच्छा व्यू मिलेगा लेक का. एंड नाउ वी विल वॉक टुवर्ड्स व्यू पॉइंट. So now we are going to Karang, एक village है जो तालाब के बीचों बीच है. Okay, so यहाँ पे आप bike से भी जा सकते हो. So we are going there by bike. So ये एक local dish है हेकक करके. Right hand side को है वो कच्चा वाला है और left hand side को है वो boil किया हुआ है. ये हेकक है वो lake में मिलता है. Okay, तो अभी हम लोग ने थोड़ा ले लिया है and we will eat it. You can see opposite side को करांग विलेज है. So मेरे पीछे आप beautiful करांग विलेज देख सकते हो और वहाँ तक जाने के लिए हम लोग को बोट लेना पड़ेगा. One boat is standing here and another one is coming. और यहाँ से आप ये लोकटक लेके देख सकते हो. There is nothing much to do on the island. और इसके लिए हम लोग अभी आइलैंड पे तो नहीं जा रहे, हम लोग वापस जा रहे हैं. Okay, we will have some food now. शांति से बैठा हुआ है मस्त. So right now Rubia मुझे एक local restaurant में लेके आया है. अभी आप देख सकते हो now we are having a chicken. ये लोकताक लेक का जो मछली है और यहाँ पे मिर्ची है और सब लोकल चीज़ें हैं. And also we will have some local drink also. Okay, so खाना खाने के बाद मिलते हैं. बहुत अच्छा खाना खाया है, बहुत हैवी खाना खाया है थैंक्स टू रोमियो. ओके, बहुत अच्छा लोकल कुछ उन्होंने बताया. और अभी नाउ वी आर गोइंग टू विच वाटरफॉल. साधु सिरु वाटरफॉल इन विष्णुपुर. इन विष्णुपुर. फुल ऑन ऑफ रोडिंग चल रहा है. रास्ता इतना खराब है जैसे कि गाड़ी चल नहीं पा रहा है. अभी हम लोग यहाँ पे पहुंच गए, यहाँ पे आप आपकी गाड़ी पार्क कर सकते हैं. सो नाउ वी आर वॉकिंग टुवर्ड्स वाटरफॉल. अभी थोड़ा चलना है आगे. फॉर हाउ मच टाइम? 2-6 मिनट. अच्छा, 2-3 मिनट ही चलना है, ज्यादा टाइम नहीं. ओके, सो फाइनली वी आर रीच्ड वाटरफॉल. सो आई होप यू लाइक दिस वाटरफॉल, साधु चिरु वाटरफॉल, वन ऑफ द बेस्ट प्लेस टू विजिट इन इम्फाल. सो इफ यू आर इन इम्फाल प्लीज विजिट दिस प्लेस. एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक इट एंड शेयर इट.
थैंक्स अ लॉट।